और जानवर को नहीं बोला, कुत्ते गधे पता नहीं पशु पक्षी बहुत सारे थे, इसीलिए क्योंकि गाय का दूध माता जी के दूध के बराबर है, कैपिटल एंड बोल्ड इक्वल, नो नॉट लेस नॉट मोर। किसी कारणवश अगर माता जी का दूध कम है तो बच्चे को गाय का दूध पिला सकते हैं, देसी गाय का दूध। मेरे लिए गाय माने देसी, जो देसी नहीं है वो गाय नहीं है। अब विकास इतना हो गया हमारा कि अब जर्सी को बोलते हैं सामान्य गाय, इसको बोलते हैं देसी गाय, आप समझ रहे हैं, क्योंकि वो उजला पदार्थ ज्यादा देती है इसीलिए कट गई। श्वेत क्रांति आ गई भारत में जी, इनको काटने के लिए क्रांति आई। हमें लगता है दूध की नदी बहाने के लिए क्रांति है, मुझे ऐसा लगता है। वो सुअर लाया हमने, सुअर और ऊंट और भैंस का हाइब्रिड है वो, आप रिसर्च करना जर्सी के बारे में। बोला क्या आप ये बेवकूफ इंडियंस, आप 2-4 लीटर गाय दूध देती है, आप इसको रखते हो, उनको इसको खाना अच्छा लगता था, इनको पता है पढ़े लिखे लोग भारत में खेती नहीं करते, जो पढ़ लिया वो शहर जाता है, वो कुत्ते रखता है शहर में। हमें दूध से मतलब है जी, गाय से मतलब नहीं। भारत में आप देखो तो कम से कम हमारे देश में ऐसा ही है, दुनिया में भी ऐसा ही है, भोजन और पानी के लिए कोई प्लानिंग नहीं है। हमको लगता है ऐसे ही आता रहेगा, कोई तो करेगा जी, मुझे तो नौकरी करनी है, खेती कोई और करेगा, भोजन आता रहेगा। लगता है कि नहीं लगता? कितना भी बड़ा किसान हो बेटे से खेती नहीं कराएगा, कितना भी गया गुजरा आदमी हो शरीर में जान है वो शहर आ जाता है, पढ़ा लिखा हो कि नहीं हो। इसीलिए जब आश्रम बनाया गुरु जी ने तो ऐसा रखा कि पता चले लोगों की कि 300 गाय हैं यहाँ पर, और गाय रखने वाले अब है हमारे पास 20-25, 1-1.5 महीने से 8-9 लोग थे जी पहले, 8-9 लोग। शहर का कोई शौचालय इसलिए नहीं बंद पड़ा होगा कि वहाँ साफ करने वाले लोग नहीं मिले, समझ रहे हैं आप मेरी बात। कोई बिल्डिंग इसलिए नहीं रुकी होगी, वहाँ कूली नहीं मिला काम करने के लिए, खेत बंद पड़ रहा है जी। 250 किसान ऑन एन एवरेज रोज मर रहे हैं भारत में, 6 लाख मर गए, गिन नहीं पाओगे आप उंगली से, 1, 2, 3, 4 करते 6 लाख नहीं पहुंच पाओगे। उतने लोगों ने आत्महत्या कर ली सफलतापूर्वक पिछले 16 साल में, हमारा भी योगदान है उसमें। हमें लगता है मैं तो अच्छा आदमी हूँ जी, मैं न किसी को मारता हूँ न किसी को बचाता हूँ, न मैं वोट देने जाता हूँ, मैंने क्या किया देश को मैं बताऊँ। हम भी उतने ही जिम्मेदार हैं, अगर कुछ अच्छा हो रहा है हमारी वजह से तो खराब भी हो रहा है, क्या बोलते हैं आप? पता नहीं, भारत स्वतंत्र देश है, आप अपने क्या बोलते हैं विचारों से, मेरे विचारों से सहमत हो सकते नहीं हो सकते, दोनों बात है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है। 10 साल मैंने भी खूब कंप्यूटर चलाया दबा के, अभी 3-4 साल से खेती करता हूँ आश्रम में, गाय पालता हूँ, तो पता चलता है, समझ में आता है कि पैसे से सब कुछ नहीं आता, बहुत कुछ आता है लेकिन जरूरी है, और वो बहुत कुछ और सब कुछ के बीच में भोजन अटक जाता है। पैसे से हेल्थ इंश्योरेंस आएगी, हेल्थ नहीं आएगा, क्या बोलते हैं आप? फूड पॉइजनिंग आती है जी, फूड नहीं आता। किसी ने फेसबुक पर डाला कि दवा है जो है ना, मेडिसिन इज नॉट हेल्थ केयर, इट इज सिक केयर, प्लीज गेट योर बेसिक्स राइट। दवा से बीमार ठीक होते हैं, स्वास्थ्य अच्छा नहीं होता, दोनों दो चीजें हैं, है कि नहीं? दवा बीमार ही लेता ना, पहलवान क्या करेगा दवा लेके, ठीक है। गाय फिर भी कट गई हमारे देश में, जानते हुए कि गाय के ऊपर उपनिषद लिखा हुआ है, वो उपनिषद है, उसमें सारी चीजें गायों के बारे में लिखी, उतना मुझे पता भी नहीं और मुझे लगता है किसी को बताने की जरूरत नहीं, सबको पता है, लेकिन प्रायोरिटी चेंज हो गई जी। हम कुत्ते की रस्सी पकड़ के गाय का दूध ढूंढने जाते हैं, इसीलिए गाय कट गई। किसान आते हैं यहाँ पूछते हैं ये गाय देसी है कि जर्सी है, एक ग्रुप तो आया यहीं का कनकपुरा, यहाँ जगह है बाजू में, वहां से आके पूछे इधर हंसु नहीं हमें, ये गाय है कि भैंस है, आप समझ रहे हो? हाइट ऑफ इनसेंसिटिविटी, साइकिल को देख के कोई बच्चा भी नहीं पूछता ये कार कितने की है, उसको समझ में आता है कि ना? मोटरसाइकिल को देख के कोई ट्रक नहीं बोलता उसको, लेकिन गाय को देख के पूछता है कि भैंस है कि गाय है। हमारा विकास कितना जबरदस्त हो रहा है, रोड बन गया गांव में, दारू के दुकान आ गए, पेट्रोल पंप गया, सारे युवक शहर आ गए, ये है विकास, होता है कि नहीं होता? और 10 साल अगर आपका बेटा रह गया शहर में तो जान लो 11वीं साल से वो घर नहीं आएगा, वो तभी आएगा जब उसके बेटे की छुट्टी होगी और उसका बेटा बोलेगा लेट्स गो टू आवर ग्रैंडपास प्लेस, दादाजी के घर जाते हैं, वो उसका घर नहीं है, वो दादाजी का घर है, हाँ कि ना? खत्म हो गया ना रिलेशन। और जहां भी रहेगा आप बोलना बेटा सेहत का ख्याल रखना, नौकरी करना लेकिन खेती नहीं करना, ये बात बनती है क्या? ऐसे कि ट्रेन में बिठा दिया, टिकट वापस लेके हैप्पी जर्नी, सेहत का ख्याल रखना, खेती नहीं करना। दुनिया का सबसे बड़ा धंधा है ये, क्योंकि हर जीव को भोजन चाहिए, इंसानों की छोड़ो, सारे कीड़े मकोड़े सबको चाहिए भोजन, धरती से ही आएगा, उगाना कोई नहीं चाहता, मुझे एक्सप्रेशन जैसा लगता है, मरना सबको है, मरना कोई नहीं चाहता, खाना सबको है, उगाना कोई नहीं चाहता। 2,500 किसान एक दिन में खेती छोड़ रहे हैं भारत में, ये भारत की बात है खाली, भोजन पूरी दुनिया में लोग करते हैं, और पढ़े लिखे लोग नहीं करते, इसीलिए किसान मर जाते हैं। 4-5 दिन पहले एक बिल
पोस्ट किया था फेसबुक पर किसी ने, 2000 किलो अनार उगाया किसान ने, शहर गया बेचने के लिए और वापस लेके कितना रुपया पता है? 3 रुपये 80 पैसे। 2000 किलो अनार अगर वो रोज खाता भी ना तो 2-3 महीने तक अच्छे से भर पेट खाता, खून बनता अच्छा उसका। 150 रुपये से कम में सड़ा हुआ अनार नहीं मिलता जी किलो। 2000 किलो कितने का हुआ वो? गेट योर मैथमेटिक्स राइट। 3 रुपये 80 पैसे लेके वो जहर की पुड़िया नहीं खरीद लेगा क्या? और हम जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो बीच बीच में अंग्रेजी घुसेड़ देते हैं हिंदी में, जिन्होंने अमेरिका देखी है, गूगल गुरु के शिष्य हैं, मल्टीलिंगुअल हैं, मार्केटिंग में एमबीए करा, कहीं का कुछ भी कुछ बेच देंगे, वो नौकरी करने में बिजी है, वो खेती नहीं करते। हेल्पिंग समवन इल्स हैविंग ए बिजनेस वी कॉल आवरसेल्फ सेटल्ड। पैसे कोई और कमाता है ना, नींद खाली मेरी खराब होती है और घर में लोग समझते हैं बेटे की नौकरी है, जापान में रहता है, इंग्लैंड में रहता है, बेंगलोर में रहता है, पूछना उसको, मंडे को घर जाना चाहता है, ऑफिस जाना चाहता है, हाँ कि ना? और दुनिया का सबसे कठिन काम है जी नौकरी करना, ढूंढना और उसमें सर्वाइव करना, जो कर रहे हैं उनको पता होगा, हाँ कि ना? वो कर लेते हैं हम, और खेती का नाम सुनते हमको लगता है सुसाइड है, पेस्टिसाइड है, गरीबी है, भूख में, हजार तरह के विशेषण आते हैं दिमाग में, तो खाना छोड़ दो ना। खेती सच में टफ काम है, एंड फॉर दैट मैटर नथिंग इज इजी ऑल्सो इन दिस वर्ल्ड, इन दिस लाइफ। स्टॉप ईटिंग देन, नहीं होगा, खाना बंद कैसे कर सकते हैं? उगाना बंद कर दिया हमने, हमको लगता है मॉल से भोजन आ जाएगा जी, ये मॉल नहीं तो अगले मॉल में मिल जाएगा ऑर्गेनिक, है ना? मुझे लगता है ढूंढने से ऑर्गेनिक नहीं मिलता, उगाने से मिलता है। प्याज के नाम पर तरह तरह मचा रहे हैं, अनसीजनली, अभी हार्वेस्ट नहीं है प्याज का, महंगी क्यों नहीं होगी? एक प्याज उगा के तो देखो, पता चलेगा एक प्याज उगाने में कितना लगता है ना? हमेशा नहीं करते, 3 बार खाते हैं, प्लास्टिक में बांधते हैं, फेंकते हैं उसको, ऐसे जैसे चांद पे चला गया, वो फर्मेंट होता है, मीथेन बनता है, उससे कैंसर फैलता है, हमको लगता है मैं अच्छा आदमी हूँ। झाड़ू देना तो मोदी का काम है, स्वच्छ भारत अभियान चलाया। इतने निकम्मेपन की तरह हम लोग बढ़ते जा रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है, माफ कीजिएगा मैं थोड़ा हार्ड बोलता हूँ, लेकिन सत्य यही है। 5000 टन खाली इस शहर से निकलता है एक दिन में किचन का वेस्ट। बेंगलोर बहुत छोटा शहर है बाकी मेट्रोज के कंपेरिजन, आओ दिल वो दिल्ली से कंपेयर करें तो काफी छोटा है। 5000 टन एक दिन का निकलता है, 1.6 मिलियन टन इन अ डे इन दिस कंट्री। आपको अगर बोल दे कि ये कचरे का एक दिन थोड़ा कर लो, जिसको भगवान मान बैठे ना, वो टेक्नोलॉजी एंड साइंस दे आर फेलियर, कंप्लीट फेलियर व्हेन इट कम्स टू गार्बेज मैनेजमेंट। कुछ नहीं कर सकते वो, सरकार को दोष देने से कचरा नहीं कम हो जाता, सेग्रीगेशन करने से कचरा कम नहीं होता, कम होगा क्या बताइए? सेग्रीगेट करने से कचरा नहीं कम होता, ये मुझे बेवकूफी जैसा काम लगता है। सेग्रीगेट करो और उसी डे की ट्रक में डाल के मंडूर में जाके फेंक देते हैं। हाउ दिल वो सर, बेंगलोर इंदा था नहीं वो, मंडूर लेता ना विशाखो दोला, हाँ एक बाजू में गांव है पूरे, वहाँ 14-15 लाख मेट्रिक टन सर रहा है कचरा, एक श्वास नहीं ले सकते। वो सरकार का दोष नहीं है, सारे किचन का दोष है। कैंसर फैलाते हैं हम, हमको लगता है हम अच्छे आदमी है। 55% वेस्ट से हम गोबर बना सकते हैं और उससे टमाटर घर में उगा सकते हैं, जो दीदी बोल रही थी परमाकल्चर की बात, हमने वही किया। पत्थरों पे बिना खेत खुदाई किए हुए उगा दिया, बिना बोरवेल डाले हुए उगा दिया। जो भी कर्नाटक में उग सकता है सब्जी और फल सारे आ रहे हैं, अच्छे से आ रहे हैं, अच्छे क्वालिटी के आ रहे हैं। एग्रीकल्चर इज नॉट ए रॉकेट साइंस। अगर आपको खाना है तो उगाना पड़ेगा, आपको नहीं तो बच्चे को जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि 2012 से गेहूं का उत्पादन पूरी दुनिया में कम होना शुरू हो गया। और वो बोलते हैं नो मैटर व्हाट इट्स नॉट गोइंग टू कम अप, अब बढ़ने वाला नहीं है, जनसंख्या रुकेगी नहीं, कल को चावल कम हो जाएगा, परसों। आई एम नॉट हियर टू डिप्रेस यू, लेकिन यथार्थ यही है, क्योंकि उगाना कोई नहीं चाहता। खेती के बारे में बड़ी बड़ी बातें लोग करते, किसानों को हेल्प करो, पैसे दे दो, ये वो करो, सब कुछ। अरे वो पढ़ा लिखा नहीं है, वो शहर जाके किसी अपने क्या कलेक्टर ऑफिस में जाके वो बात ही नहीं कर सकता कि सरकार ने कितनी सब्सिडी दी, बात कर सकता है क्या? वो शरीर से अस्वस्थ है और शिक्षा से अस्वस्थ है, वो भी वो अशिक्षित आदमी है, जो 10वीं क्लास पास करते करते फेल हो गया, वो भी शहर आ गया, जो पहले धक्के में पास किया वो तो आ ही जाता है शहर से महानगर, महानगर से ऑन साइट वाला बोलता लेट्स गो टू मार्स, देयर इज नथिंग लेफ्ट ऑन प्लैनेट अर्थ एंड इट्स वन वे रोड, नो वन कम्स बैक। कोई आता है क्या वापस? किसी का बेटा 15-20 साल बाद आया क्या शहर से वापस, बताइए आप? खाएगा खाक, है ना? इसीलिए गुरुजी ने यहाँ डेमोन्स्ट्रेशन का जगह रखा, वो लूटने की जगह। आप थोड़ा नजरें खोल के देखिए, यहाँ पर आपको बहुत चीज लूटने की मिलेगी। आप किस नजर से आए, क्या चाहिए आपको? पैसे देखने आए, चेहरे देखने आए, ज्ञान लेने आए, पेड़ गिनने आए, मजे करने आए, ये लूटने की जगह गुरुजी ने बना के रख दिया, वो लेके नहीं जाएंगे। एंड फॉर दैट मैटर नो वन ऑफ अस विल टेक एवरीथिंग बैक, जो भी हमने दुनिया में फैलाया माया, लेके तो नहीं जाएंगे। ऐसा रख दिया गुरुजी ने, गायों को देख लो थोड़ा, ये बहुत जरूरी है। और जहां गाय कम हो गई, देसी गाय, वहां पानी का लेवल कम हो गया,
आप थोड़ा गौर कीजिए, रिसर्च कीजिए इसके ऊपर। आईसीआर के साइंटिस्ट मानते हैं इस बात को, लेकिन इस बात को प्रमोट नहीं करते, ये बात को बाहर नहीं आने देते। बड़ा कुचक्र है, दुष्चक्र है इसके पीछे षड्यंत्र। गाय जहां ज्यादा है वहीं पानी का लेवल है। 3000 फीट चला गया यहाँ पर पानी, 30 फीट से 3000 फीट 40 साल में चला गया। हमें लगता है मॉल से पानी आ जाएगा, आई मीन टैंकर से आ जाएगा, मॉल से भोजन आ जाएगा। लगता है कि नहीं लगता? देखा होगा आपने किचन में भोजन किया ना, खाना खाया आपने आश्रम में, प्रसाद लिया, थाली धोया ना, तो थाली में साबुन लगा रहे थे तो नल खुला था। एटीट्यूड, हजारों लोग खाते। ये आश्रम की बात नहीं है, ये हमारा आपका सबका बात है। बाहर की दुनिया पानी है ना जी, 21 रुपए लीटर कौन सा महंगा है? 500 रुपए में एक टैंकर आ जाता है। 5000 भी हुआ तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा? हाँ, सब्जी वाले के पास, ठेले वाले के पास जाओगे तो जरूर महंगा पड़ता है सब्जी। मॉल में महंगा नहीं पड़ता, ठेले वाले पास महंगा पड़ता। पड़ता है कि नहीं पड़ता? 100 का 125 मॉल वाले को दे के आते हैं, जस्ट बिकॉज इट इज फ्रिज, वी फील इट इज फ्रेश। हाँ कि ना? फ्रीजर में रखा है, जब तक बिकेगा नहीं वो हटाएगा नहीं। ही नोज हाउ टू मेंटेन दैट सेल्फ लाइफ। जीएम फूड बेच देते हैं, ठेले वाले के पास नहीं है बेचारे के पास फ्रीजर। थोड़ा गंदा दिखता है सब्जी, हमको लगता है ये खरीदना नहीं चाहिए, ये पैसे से इसकी जान बच जाएगी, ये पैसा भारत में रहेगा, व्हाई शुड आई डू दैट? तभी मरता है आदमी, तभी मरता है। 50 लाख से ज्यादा लोग साल में एक बार, आई मीन हर साल दुनिया में भूख से मर जाते हैं। कभी उस भूख के इसमें रहे आपने, 2-4 दिन बिताया है? उस तड़प में लोग मर जाते हैं। बांग्लादेश में 80% मैल न्यूट्रिशन है, मतलब भोजन नहीं मिलता। अमेरिका में 80% क्या बोलते हैं, ओवर न्यूट्रिशन है, जो बोलो, खाते खाते बीमार है, ओबेसिटी है। समझ रहे हैं? और ये किसी एक आदमी की वजह से नहीं, हमारा सबका योग, पढ़े लिखे लोगों का ज्यादा योगदान है बिगाड़ने में। गुरुजी बोलते हैं अच्छे लोगों की वजह से दुनिया में ज्यादा परेशानी हो गई। उनका कोई नेटवर्क नहीं, बाजू के अपार्टमेंट में कौन पैदा हुआ, कौन बीमार हो गया, नो वन नोज। लेकिन टेररिस्ट की देखो, अफगानिस्तान से लेकर श्रीलंका तक, पूरी दुनिया में कहीं भी पकड़ा जाएगा उसका नेटवर्क देखो, सब एक दूसरे से जुड़े हैं। इतने से लोग होंगे, मुट्ठी भर भी नहीं होंगे, हिला के रख देते। और हम अच्छे लोग, मुझे नहीं मतलब आप लोग कौन है, कहां से आए, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरा हेल्थ इंश्योरेंस, मेरा बस सब कुछ मेरा, वहीं खत्म होता है, वहीं शुरू होता है। ऐसे जब महापुरुष आते हैं धरती पर तो जोड़ने का काम करते हैं, हम उनको गालियां देते हैं। भारत में बड़ा एक फैशन चला है बाबाओं को गाली देना, खास करके हमारा जनरेशन बड़े शौक से करता है। आई डोंट बिलीव ऑल दिस। जो भी इंडियन चीज होगी उसको हम गाली देंगे, घर में अंग्रेजी बात करेंगे बच्चों से, स्कूल में भी बोलेंगे अंग्रेजी बात करो, ऑफिस में भी मजबूरी है, घर में भी आके अंग्रेजी बात करेंगे। दिखाने के लिए हम ज्यादा पढ़े लिखे हैं, हम इंसान ने, हम भारतीय नहीं रहे, अब हम विकास कर रहे हैं, है ना? गोबर लग जाता है हाथ में तो चिल्लाने लगते लोग यहाँ पर, वेयर इज द हैंड वॉश? यह है हमारा विकास। देखिए आपको क्या करना है, प्लास्टिक ऐसे ही उड़ाना है जिससे कैंसर फैलता है। इफ यू आर केमिकल स्टिल लिटरेट, यू विल नो दैट व्हेन पॉलिथिन ब्रेक्स, डाइऑक्सिन एंड फ्लोराइड कम्स आउट, इट्स कैंसरस। जला तो कैंसर, धरती में गया तो कैंसर, पानी में गया तो कैंसर, प्लास्टिक ही कैंसर का रूप है। देयर इज नो गुड प्लास्टिक, देयर इज नो गुड टूरिस्ट। चमड़े जो आप खरीदते हैं प्योर लेदर, ये देख रहे हैं हमारे बछड़े, एक दिन के बछड़े कटते हैं जी, 2 बछड़े कटेंगे तो 3 बछड़े कटेंगे तो 2 जोड़ा जूता मिलेगा आपको। काफ लेदर करके ब्रांड आता है, थैंक गॉड हमने देखा नहीं, आई डोंट वांट टू सी दैट आल्सो। हमें लगता है कि पेड़ से आते चमड़े, कंज्यूमर बेस्ड इकोनॉमी है कि नहीं है? यू क्रिएट द डिमांड एंड सप्लाई कम्स। मिलता है कि नहीं मिलता? मोबाइल पड़ोसी के घर में थोड़ी बनता है, किसी और कंट्री में बनता है, तीसरे दिन आपके घर आ जाता है ऑनलाइन। बकरीद में बकरा मिल रहा था फ्लिपकार्ट पे ऑनलाइन विथ ऑल द स्पेसिफिकेशन, यू सर्च इट। तो चमड़े का यूज थोड़ा कम कर दीजिए, ये कट जाते हैं। हम दुनिया के सबसे बड़े गोमांस निर्यातक देश है, इसीलिए मैंने बोला भारत का विकास गोमाता से गोमांस तक हो गया, पिंक रिवॉल्यूशन। और हम बैठे बैठे घर में बड़ा ये करते हैं, तर्क वितर्क करते हैं, गाय कटनी बंद क्यों नहीं हुई या क्यों बंद हो गए। दोनों तरह की बात भारत में होती है, खाली गाय के ऊपर ही, गधे के ऊपर कोई नहीं बात करता कि मैं गधा खाऊंगा, मैं नहीं खाने दूंगा। गाय के ऊपर ही होता है, क्योंकि जो काटते हैं उनको पता है, जिस संस्कृति से गाय जुड़ी है उन लोगों को प्रैक्टिकल में यथार्थ में गायों से कुछ नहीं लेना देना। उनके घर में सब कुछ आ जाता है पैसे से, उनको लगता है यही सत्य है, यही ब्रह्म है, यही अमृत है। प्लास्टिक में रैप होके आए, ISO सर्टिफिकेशन है जी, एक्सपायरी डेट लिखा है, यही ब्रह्म वाक्य है। लगता है कि नहीं लगता है हमको? इसीलिए आज हाल ये है ना? देखिए आपको क्या करना है। पिछले महीने इसी तारीख को, 31 जुलाई को गुरुजी ने अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस मनाया, आपको पता है, आर्ट ऑफ लिविंग ने मनाया। बोला गुरुजी ने, बोला पेड़ नहीं लगाने के 1000 रीजन है। क्या क्या? जगह नहीं है जी, टाइम नहीं है, पेड़ मिलते कहाँ हैं, पानी कौन देगा, लगाने के लिए मैं रेडी हूँ, पानी कौन देगा, बकरी खा जाएगी। 1000 स्टूपिड रीजन है, लगाने का एक ही रीजन है। जिस आसानी से आप श्वास ले रहे हैं जन्म से लेकर मरण तक, उसी आसानी से हमारे बेटे पोते भी सांस लेते रहें, नौकरी खोजने में उनको दिक्कत नहीं हो, तो
तो एक पेड़ लगा देना। 16 पेड़ का ऑक्सीजन हम अपनी जिंदगी में खत्म कर देते हैं 70-80 साल में, उतना हम मान के चलते हैं कि हम जिएंगे। 16 पेड़ एक आदमी खत्म करता है, और टिश्यू पेपर और फर्नीचर में 2-4 और कटते होंगे, हाँ कि ना? आई नो इट्स बोरिंग, ए मिनट एंड आई एम डन। 20 पेड़ पर हेड, पर हेड इस धरती पर 20 पेड़ कटते हैं, लगाते कितने? अगर अपने बर्थडे पर एक पेड़ लगा दिया तो, अपने बेटे के जन्मदिन पर लगा दिया तो आपको लगता है उसको कटने देंगे आप? पिताजी के नाम से जो पेड़ लगा कटने देंगे? नहीं कटेगा। और अगर हर साल एक लगाया तो 80 पेड़ लगा दोगे आप, 20 खा जाओगे, 60 दुनिया को देके जाओगे। द वेरी वर्ड डिफॉरेस्टेशन विल गेट डिलीटेड फ्रॉम द डिक्शनरी इन ए ईयर। सांस लेने में तकलीफ नहीं होगी, पानी पीने में तकलीफ नहीं होगी, और पेड़ रहेंगे तो भोजन भी आएगा, बाद में नौकरी भी ढूंढेंगे अच्छे से, नहीं तो 99% स्कोर लेके ऐसे घूमेंगे, घर आएंगे तो भोजन नहीं मिलेगा। दे विल हैव द बेस्ट जॉब आई टेल यू, लेकिन भोजन में कमी होगी इस तरह का स्पीड रहा तो। इसलिए गुरुजी ने बोला एक पेड़ जरूर लगाना। आप देखिए कर सकते हैं क्या, भारत अगेन स्वतंत्र देश है, यहाँ तो बम लगाने की भी स्वतंत्रता है, कोई इश्तहार दे के बम नहीं लगाता, लगाता है क्या? आज इस कोने में बम लगाए मत जाना, पकड़े जाते हैं तो पता चलता है फलाने जगह पे बम था। तो स्वतंत्रता का हम यूज कर सकते हैं। माना कि हर जगह प्लास्टिक मिलती है, वेरी ट्रू, लेकिन हम प्लास्टिक नहीं खरीदे तो जेल नहीं जाएंगे, ये भी सत्य है। हमारे ऊपर बहुत कुछ है, हमें लगता है मैं कुछ नहीं कर सकता जी, मैं अकेला क्या, मैं तो बस ऐसा। तो गोवर्धन तो उठ रहा है, गुरुदेव जी से लोग आते हैं धरती पर तो ऐसे अच्छा काम करते हैं, गोवर्धन उठ रहा है, हम अपना हाथ लगाए कि नहीं लगाए ये हमारा कर्म। जय गुरुदेव, थैंक यू।